अस्सलाम वालेकुम, वी आर फाइनली बैक विद अनदर व्लॉग। तो यार गाइस, बताना चाहता था यार, कल मैं व्लॉग नहीं था कर सका। उसकी वजह ये थी यार, कल मेरी तबीयत थोड़ी सी डाउन थी, और दूसरे नंबर पे बात ये थी, आंखों से भी जरा बहुत ज्यादा मसला था, आंखों का नजर खराब हो चुकी है काफी हद तक। जिसकी निस्बत अभी मैं भाई के साथ जा रहा हूँ जी, आंखों वाले डॉक्टर के पास, अपनी आंखें चेक करवाने के लिए। तो यार इसको यार चलें, मौसम भी ठंडा हो चुका है, हैवी किस्म वाला। जिसकी निस्बत मुझे कल जुकाम लग गया था, इसलिए यार मैं व्लॉग नहीं था बना सका। थोड़ा सा मौसम चेंज होता हो ना, फिर समझा करो यार बात को, तबीयत जो है ना ऊपर और नीचे होती रहती है, ठीक है। सो लेट्स गो यार, चलें भाई के साथ डॉक्टर पास जाकर अपनी आँखों का ज़रा इलाज उलूज करवाएँ। लेट्स गो। हैदर भाई अपनी है भाई को फुल चकाचक करते हुए, बाइक को ऐसे रखो। चलो यार हैदर भाई, वैसे बड़ी साफ की है यार आपने, क्या बात है, वाह जी वाह, मेहनती बच्चे मेहनती। चलो यार हैदर भाई ने फुल अपनी बाइक चकाचक कर ली है, और उनको पता नहीं उधर इतना ज्यादा गंद है ना, जाते सब कुछ गंदा हो जाना। हैदर भाई देख लेना, मैं आपको दिखाऊंगा। हैदर भाई साफ कर रहे हैं, और पहाड़ी गंदी हो जानी है फिर देखी जाना। वाह जी वाह, दूसरा किधर है, थोड़ा वो है। हमें देख के क्यों चला गया, जाओ डरो झगड़े करो। यार ये क्या थे, वो देखो ये बेचारे भैया दो छुपे हुए हैं इधर झगड़ा कर रहे। चलो यार आप ओके ओके कंटिन्यू। चलो भाई पहुंच चुके हैं जी हम हॉस्पिटल, अब हमने अंदर जाना। हैदर भाई के संभालना है हमारा कैमरा, ठीक है हैदर भाई? हाँ जी। चलो भाई One hour later. चलो जी चेकअप हमारा हो चुका है जी, और माशाल्लाह से 1.5 हो चुके जी हमारी नज़र, -1.5 है ना, -1.5। मुझे नहीं तो पता कि इतनी ज्यादा खराब हो सकती है। चले और वापस घर चले, अब देखो अब क्या करते हैं, मेडिसिन भी लिखी है, ग्लासेस भी लिखी है उन्होंने। सो लेट्स गो टू होम, और कुछ नहीं। चलो यार भाई पहुंच चुके जी हम घर, अंदर चलो। ऐसे तो यार अब हम अंदर चले, मैं ना आपको ना फ्रेश हो मिलूँ, ठीक है, मत भरी हुई ओके। चलो यार गाइस रेडी हो चुका है आपका भाई फ्रेश, और ये देख रहे हो सामान, आपका भाई जा रहा है जी कज़न की माइयों पे, और मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं था, पापा ने बोला चलो, तो मैंने कहा लेट्स गो। तो चले गाड़ी स्टार्ट है, मैं दरवाजा बंद करने के लिए आया था। चलो पहले लेट हुए हैं आप। आयोए बंद करो यार, यार अभी हम पहुंचे हैं जी, नहीं आज हम वो आए हैं जी खानपुर, डैडी लेने के लिए जा रहे हैं कुछ पकौड़े शकौड़े, हमारी डैडी खड़ी है और हम गाड़ी के पास खड़े होते हैं, पापा ले जाते हैं, ना करना मैं करके आया थोड़ा साफ। नहीं नहीं ओए इतों देसी आए हैं, हले अज देसी जाना है, गाड़ी साफ करो, नहीं भाई नहीं करनी, पापा गए हो गए, मेरे बाल यार खराब हो गए हैं, कोई बात नहीं खा मैं भी चलूँ। और
चुके जी हमारे पकौड़े शकोड़े। वाह जी वाह, मजे वाले सीन आ गया जी। इसको मंगाते हैं सीधा लोअर। यार हम पहुंच चुके थे, आ गए थे, तकरीबन टाइम हो चुका है। टाइम क्या हुआ है, हमें आए हो तो तकरीबन टाइम हो चुका है जी, 9 बज गए और हम वहां से चले थे तकरीबन 6 बजे। 6 to 9 कितने आ टाइम, 6 to 9 कितना डिफरेंट है। बस हम अब बस व्लॉग हम स्टार्ट करते हैं। सही है, लेट्स गो। So guys, once again, my mamos. अभी मजा आएगा ना भिड़ो। पहले भी मैंने देखा है जनाब, ये मेरा अपने मेरा बहुत ज़्यादा शरारती है। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। ये जान के मेरे तंग कर दिया भाजी, तारी मेहरबानी चैनल सब्सक्राइब करा करो। हाँ बस लाइक करो, शेयर करो, मेहरबानी करो। ये भी है। अच्छा मामू चुप, तेरा मुंह ने दसना बेड़ा तो कम है। याद नहीं आ रही यार, जुगर नहीं आ रही यार मामू को। गाइस मामू को जुगते भूल गई है, कैमरा खुलते सारी। हम वापस आ रहे हैं, ठीक है। और ये आगे मामा लोग जा रहे हैं, ठीक है। और ये हमारे साथ हैं जी अहमद भाई। यार लाइट तो चला रहा फोन पे, जरा क्लियर आ जाए, ठीक है। अभी तो फिलहाल हम जा रहे हैं, टाइम क्या हो गया, टाइम 11:15 हो चुके हैं जी। अभी हम चले वापस, ठीक है। फिर हम सैटरडे से फिर हम स्टार्ट हो जाना है हमारी, और ही रहना हमने, मैंने तो नहीं जाना वापस, घर वाले जाएंगे, ठीक है। डैडी गाड़ी को पैक कर रहे हैं और हम जा रहे हैं वापस घर। मैंने नहीं था जाना, बस मैं इसलिए जा रहा हूँ कि मैंने गाड़ी के करवानी है ब्लैक टिंट, और अगर मैं ना गया तो ये नहीं होने वाला। पापा ने तो नहीं करवाने, पापा ने कहना अच्छा होगा, सही है। मिलते हैं आपको, ठीक है, जल्दी आना जी। जी इंशाल्लाह ताला, टेंशन क्यों लेके हो यार। तो लेट्स गो टू होम, चल ठीक है, ओके गार, बैठे अंदर हम भी, लेट्स गो। अच्छा तो यार गाइस, यहाँ मैं ब्लॉग एंड कर रहा हूँ, लाइक सब्सक्राइब शेयर मस्त कर दीजिए। आप पहुँच चुके हैं जी अब घर, आपका भाई फुल थक चुका है, फुल हैवी किस्म का थक चुका है, सही है। अभी बस ब्लॉग एडिट करना है और बस अपलोड करना है आपके भाई ने, और कोई काम नहीं है, ठीक है। और सुबह मिलेंगे यार आपको एक और न्यू ब्लॉग के साथ, दुआ में याद रखिएगा तब तक के लिए।
अल्लाह।